अब इसमें सबसे पहले देखो एक इंफॉर्मेशन तुम लोगों को पता होनी चाहिए, दैट इज प्लूटो, अबाउट प्लूटो। पहले अगर तुम्हें याद हो अराउंड 2000 बिफोर 2006 तो हम हमारी जो बुक्स थी हम उसमें 9 प्लैनेट्स पढ़ते थे, ठीक है। तो प्लूटो वाज द 9th प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, 9th प्लैनेट पढ़ते थे, ठीक है। कौन कौन से? मरकरी, वीनस और क्या, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो, ठीक है। तो हम ये सारी चीजें पढ़ते थे। बट व्हाई प्लूटो इज नो मोर अ प्लैनेट? क्यों नहीं है प्लैनेट? कुछ क्राइटेरिया होंगे। अगर उन्होंने पहले इसे डिक्लेयर किया था एज अ प्लैनेट तो ऐसा था कि 2003 में UB 313 ऐसे और भी प्लैनेट्स जो हैं वहां पर डिस्कवर हुए, सोलर सिस्टम में डिस्कवर हुए। तो किसने डिक्लेयर किया? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। तो इस इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इसको, है मतलब ये नाम है इसका, UB 313, ठीक है। ये खोजा गया था और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इसको ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में डाल दिया। ठीक है, इसे ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में इस वाली यूनियन ने इसको क्या डिक्लेयर कर दिया? एज अ ड्वार्फ प्लैनेट। ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में ही आ गया, ठीक है। तो दिस इज नो मोर अ मेजर प्लैनेट, ठीक है, ये अब उस कैटेगरी में नहीं है। सो टिल नाउ वी हैड 8 प्लैनेट्स ओनली, ठीक है। ये चीज मुझे इसलिए बतानी थी क्योंकि आ जाता है कभी क्वेश्चन, तुम्हें परेशान करने के लिए आ जाए तो। ठीक है, अब मून के बारे में, मून, हाउ मून फॉर्म, ठीक है, हाउ मून फॉर्म। तो देखो ये हमारा क्या है, सबसे पहले तो व्हाट इज द मून? मून इज द ओनली सैटेलाइट ऑफ अर्थ, मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, ठीक है। ये हमारा नेचुरल सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है। सैटेलाइट्स नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। और ये कैसे बना था, इसके काफी अटेम्प्ट हुए हैं एक्सप्लेन करने के लिए। तो 1838 में सर जॉर्ज डार्विन ने कुछ बताया था लाइक दिस। सर ये वही है, ये चार्ल्स डार्विन नहीं है, ये याद रखना, ये ही इज अ जॉर्ज डार्विन। चार्ल्स डार्विन अलग है, चार्ल्स डार्विन, जॉर्ज डार्विन। तो जॉर्ज डार्विन ने क्या कहा था कि जो अर्थ है इट वाज अ पार्ट ऑफ मून, जो था ऐसे ये पार्ट था, इट वाज अ पार्ट ऑफ अर्थ, ठीक है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये एक डम्बेल शेप में हो गया। डम्बेल मींस दिस, इसे कहते हैं ना डम्बेल, वो जिम में यूज होता है ना डम्बेल, वो अलग अलग होते हैं, है ना, उन्हें डम्बेल कह देते हैं। तो इसने कहा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो एनर्जी थी, जैसे जैसे एनर्जी रिलीज हो रही थी, जैसे जैसे ये ग्रो कर रहा था, बाकी प्लैनेट से जो एक्सप्लोजन हुआ था, जो ये बेल शेप बॉडी थी, ये जो डम्बल शेप बॉडी थी, ये इवेंचुअली क्या हो गई? ब्रोक हो गई। अब जब ये ब्रोक हो गई तो अर्थ वाज दिस, ठीक है, और मून इससे अलग हो गया। अब क्योंकि अर्थ पे क्या था, ग्रेविटेशनल पुल था अर्थ का, तो ये अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर नहीं जा पाया और ही इट स्टार्टेड रोटेटिंग अराउंड दी अर्थ। ठीक है, इसने रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया अर्थ के। ठीक है, तो इन्होंने कहा था किसने, 1838 में जॉर्ज डार्विन ने, कि इनिशियली दिस इज पार्ट ऑफ अर्थ बट इवेंचुअली डम्बल शेप ये क्रिएट हो गया इसमें and ये broke out. It was suggested material forming the moon was separated from what we have at present depression occupied by Pacific Ocean. अब it is supposed that जो बेटा हमारा Pacific Ocean है, Pacific Ocean जो है इक्वाडोर और ये कुछ कुछ कंट्रीज है, तो दिस इज Pacific Ocean and Pacific Ocean supposed to be one of the deepest. ठीक है, deepest माना जाता है because there are so many trenches. अब ट्रेंचेस क्या होती हैं, देखो कहीं कहीं बहुत डीप पार्ट होता है, ठीक है, डीप पार्ट होता है बहुत डीप, मतलब जहां पे ओशन की तरफ तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो उस जगह को नाम दिया गया है ट्रेंच का। तो यहाँ पे बहुत सारी ट्रेंच है, जैसे कि मरियाना ट्रेंच है, यहाँ पे एक कुरील ट्रेंच है, यहाँ पर भी एक ट्रेंच है, तो ये कुछ कुछ डिप्रेशन है, यहाँ पे भी एक ट्रेंच है। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि व्हेन द मून गॉट सेपरेटेड, जब मून सेपरेट हुआ था ना अर्थ से, तो जो डिप्रेशन कॉज हुआ, डिप्रेशन मतलब सेपरेट होने के बाद वहां पे जो बचा एक तरह से गड्ढा कह सकते हो बहुत बड़ा, ठीक है, तो वो पैसिफिक ओशन है। और लेटर ऑन क्या हुआ, अर्थ मूव करने लगी एंड फिर ये कूल डाउन हुई, फिर यहाँ पे कंडेंसेशन हुआ, जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है उसकी वजह से क्या हुआ, पानी स्टार्ट हुआ बनना और फिर वही क्लाउड बने हुआ और बारिश हुई, तो फिर ये डिप्रेशन फिल्ड अप हो गया। तो दिस इज पैसिफिक ओशन, पैसिफिक, ठीक है, ये पैसिफिक ओशन है। ठीक है, तो ये कहा जाता है, तो डार्विन जो जॉर्ज डार्विन थे उन्होंने ये कहा था कि जब मून सेपरेट हुआ इट इज सपोज्ड कि जो डिप्रेशन है वो पैसिफिक ओशन है। ठीक है, मून जब इससे सेपरेट हुआ तो यहाँ पे एक डिप्रेशन बन गया और वो डिप्रेशन बाद में पानी से फिल हो गया, दैट इज कंसीडर्ड टू बी अ पैसिफिक ओशन ड्यूरेंट। ठीक है, तो ये था। अब अर्थ का एवोल्यूशन ये हम देख लेंगे क्योंकि इतना वो नहीं है, बट इसमें तुम याद रखना कि अर्थ की एज कितनी है, अर्थ जो है हमारी वो कितनी पुरानी है या कितनी एज मानी जाती है, तो इसकी जो डेट है दैट इज 4.6 बिलियन, 4.6 नॉट बिलियन, इट्स मिलियन, मिलियन ईयर्स। ठीक है, तो कहीं ऑप्शन में आए कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी की आयु कितनी है या व्हाट इज द एज ऑफ अर्थ, तो 4.6 मिलियन ईयर्स बताओगे। ठीक है, अब इंटीरियर और अर्थ के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि अर्थ का इंटीरियर कैसा है, अंदर से अर्थ कैसी है, कभी सोचा है अंदर से अर्थ कैसी है, इनसाइड, अर्थ के इनसाइड क्या है, जो अर्थ है उसकी अंदर से इंटीरियर से अगर हम देखें तो शेप कुछ इस तरह है। देखो ये है क्रस्ट, अगर हम डाइसेक्शन देखें तो इसे क्या कहते हैं, क्रस्ट, और ये जो है ये वाला पार्ट इसे कहते हैं मेंटल, मिडल पार्ट है इसे कहते हैं मेंटल, मेंटल, और ये जो पार्ट है दिस इज कोर। ठीक है, अब जब अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा था, मतलब जब अर्थ बन रही थी, ठीक है, व्हेन इट गॉट सेपरेटेड, जब मून सेपरेट हो गया तो एक्सप्लोजन भी था, ठीक है, इम्पैक्ट भी उस पे पड़ा, और ऐसा कहा जाता है कि अर्थ वाज फास्ट मूविंग एट दैट टाइम, फास्ट मूव कर रही थी अर्थ। ठीक है, अब जो इस पे प्रीमोर्डियल एटमोस्फेयर था, प्रीमोर्डियल एटमोस्फेयर क्या था, हीलियम का और हाइड्रोजन का। जो अर्थ पर जो एटमोस्फेयर था दैट इज ओनली ऑफ हाइड्रोजन और हीलियम इनिशियली, लेकिन जो सन की सोलार विंड थी उसने सभी जो प्लैनेट थे उनका एटमोस्फेयर खत्म कर दिया। किस किस का? जो सन के करीब थे। कौन कौन? मरकरी, वीनस, मार्स और अर्थ। इनका प्रीमोर्डियल जो एटमोस्फेयर था वो सोलार विंड ने खत्म कर दिया, ठीक है, मतलब हटा दिया। बट अर्थ का जो प्रेजेंट एटमोस्फेयर है वो प्रीमोर्डियल नहीं है। फिर क्या हुआ? व्हेन अर्थ स्टार्ट रोटेटिंग तो उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन हुई। केमिकल रिएक्शन की वजह से क्या हुआ? कंडेंसेशन हुआ, इट डेवलप्ड ये हाइड्रोजन और वाटर, ठीक है। और वो उस वाटर की वजह से फिर वो क्या होता था, जैसे जैसे हीट नीचे होता था वो पानी ऊपर जाता था, वाटर वेपर, और वो फिर ठंडा होने लगता था। ठंडा हो गया फिर वो वहीं पे बारिश होनी स्टार्ट हो गई, जिससे क्या ऐसा माना जाता है कि प्रेजेंट में जो ओशन है वो इसी कारण है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। फिर वो जो ओशंस हैं वहाँ पे फिर कुछ केमिकल एक्टिविटीज हुई और फिर बैक्टीरियाज, प्रोटोजोन्स ये बने। अब प्रोटोजोन से धीरे 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 कुछ ऐसे, पहले क्या बने थे, एलगीज, साइनोबैक्टीरिया को सबसे पुराना माना जाता है। तो इनमें क्या कैपेबिलिटी थी कि फोटोसिंथेसिस करते थे। अब जब ये फोटोसिंथेसिस करते थे तो दे रिलीज ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब जी ये ऑक्सीजन रिलीज करते थे तो ऑक्सीजन, वाटर वेपर और अदर जो गैसेस थी इसने मिलके हमारा प्रेजेंट जो एटमॉस्फेयर है ये बनाया, ठीक है। तो सबसे पहले जो लाइफ इवॉल्व हुई थी वो ओशियंस में हुई थी। फिर ओशियंस थे, उनका एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ बैक्टीरिया से, फिर ये बने। आगे चल के जो तुमने उसमें बायोलॉजी में पढ़ा होगा, मोनेरा थे, प्रोटोजोन्स और एनालिडा से ऑर्थोपोड्स। ऑर्थोपोड के बाद फिर धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ तो नाउ वी आर ह्यूमंस। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम अपने एवोल्यूशन की भी बात करें तो वंस वी वर बैक्टीरियाज, ठीक है, मतलब दिस इज रियलिटी। हमारा एवोल्यूशन ऐसे हुआ है कि अगर तुमने वो देखा हो, तुम एवोल्यूशन की किताब में देखते हो कि कोई पक्षी है, उसका भी जो फीटस होता है, बेबी, अनबॉर्न बेबी फीटस, उसका फीटस, और खरगोश है उसका फीटस, और या किसी भी अदर एनिमल का जो फीटस है वो ह्यूमन के फीटस से इनिशियली मैच करता है, देखा है तुमने। तो दिस इज एवोल्यूशन, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ, जो मटेरियल्स थे, क्योंकि ये बहुत तेज स्पीड पे उस समय रोटेट कर रही थी अर्थ, जो मटेरियल थे वो ऊपर नीचे हो गए। तो जो हैवी मटेरियल थे वो बेटा सिंक हो गए। अब हैवी में इसे कहते हैं निफेल, निकेल और फेरस। जो हैवी मटेरियल है वो कोर में रह गए, इसको कहते हैं सियाल, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, और इसको कहते हैं सीमा। सीमा किसे कहते हैं? सिलिकॉन और मैग्नीशियम, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, निफेल, निकेल और फेरस। फेरस मीन्स आयरन। तो हैवी मटेरियल नीचे है और क्रस्ट पे लाइट मटेरियल है, और मेंटल में डेंसिटी के अकॉर्डिंग, मतलब इनकी हाई डेंसिटी है तो नीचे संग कर गए, इनकी इससे कम डेंसिटी थी तो ये ऊपर है, और ये सबसे कम डेंसिटी के हैं तो ये क्रस्ट पर है जिस पर हम रह रहे हैं, ठीक है। अब बात आती है व्हाट आर दी सोर्सेज। कैसे पता चला कि ऐसा कुछ है? किससे पता चला? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हमारे सामने हमें कैसे पता चला अर्थ के अंदर ये चीजें हैं? किस चीज से पता चला होगा? वॉल्केनो। तो वॉल्केनो सपोज टू बी द डायरेक्ट सोर्सेज, ठीक है। अब इस सोर्सेज के बारे में हम कल करेंगे, सोर्सेज भी बताऊंगी, फिर इंटीरियर में क्या क्या है, अर्थक्वेक के बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो सोर्सेज में क्या है, डायरेक्ट सोर्सेज में सबसे पहला जो सोर्स आता है दैट इज वॉल्केनो। वॉल्केनो से कैसे पता चला? जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो बेटा क्रस्ट पे तो कुछ भी नहीं है, अगर हम 200 किलोमीटर नीचे खोद के देखें तो कुछ भी नहीं है। बट ये चीज कहाँ से आई? वोल्केनिक इरप्शन में आयरन और भी निकलता है, मटेरियल्स भी आते हैं, निकल कोबाल्ट मिक्स रहता है चीजें। तो हमें ये डायरेक्ट सोर्सेज उसके लावा को एनालाइज करने के बाद पता चले कि ये पर्टिकुलर थिंग नीचे है, ठीक है। एंड दिस इज नॉट इन द मेंटल इटसेल्फ, इट इज इन द कोर और मेंटल बोथ, ठीक है, ये मटेरियल बोथ है। कैसे पता चला? कि जैसे तुम्हें मैंने बताया कि डेक्कन प्लेटो है हमारा इंडिया का, छोटानागपुर प्लेटो है, छोटानागपुर प्लेटो है, सबसे ज्यादा कोयल के, आयरन के, बॉक्साइट के डिपॉजिट डेक्कन प्लेटो और छोटानागपुर प्लेटो में ही क्यों है? कभी सोचा है? क्योंकि एक टाइम पे हमारा जो इंडिया था वो ऐसी पोजीशन पे था जहाँ पे बहुत सारी वल्केनिक एक्टिविटीज हुई हैं, जिस वल्केनिक एक्टिविटीज बहुत सारी हुई हैं। इंडिया जो था वो प्रेजेंट में यहाँ नहीं है जहाँ पर है, ठीक है। इट वाज समवेयर, देखो अगर इफ यू कैन इमेजिन, इट वाज समवेयर हियर, दिस इज अंटार्कटिका, दिस इज पार्ट ऑफ अंटार्कटिका, नॉट ओनली इंडिया बट ऑल द प्लैनेट्स, सभी प्लैनेट्स इस तरह से थे। जैसे कि इंडिया हो गया, इंडिया के साथ में ऑस्ट्रेलिया जुड़ा हुआ है, ठीक है, लाइक दिस, ये कुछ कुछ प्लैनेट्स हैं। और यहाँ पे फिर इसी से मिला हुआ अफ्रीका हो गया, यहाँ पे ये साउथ अमेरिका, यूरोप, ये सब ऐसे थे, मतलब वंस दे वर दिस। और ये अलग अलग प्लेट थी, अलग अलग प्लेट थी, एंड दे स्टार्ट मूविंग, फिर ये मूव करने लगे। अब जब कोई चीज मूव करती है तो क्योंकि इम्पैक्ट पड़ता है तो दे गॉट सेपरेटेड धीरे धीरे, तो इट गॉट सेपरेटेड, ठीक है। इससे अब इंडिया मूव करता रहा, इंडिया ऑस्ट्रेलिया से अलग हो गया और इंडिया बस मूव करता रहा, ठीक है। और ये सेटल होती चली गई, ये प्लेट्स इधर सेटल होगी, जैसे कि यहाँ पे बन गया साउथ अमेरिका, ठीक है, ये साउथ अमेरिका इधर सेपरेट हो गया, ये नॉर्थ अमेरिका बन गया, प्रेजेंट में बता रही हूँ, वैसे तो कुछ अलग ही अलग चीजें हुई थी, ठीक है। और यहाँ से ये चला तो अफ्रीका की पोजीशन यहाँ पर आ गई, ठीक है, यूरोप इधर हो गया, एशिया इधर हो गया, बट इंडिया वाज नॉट देयर, इंडिया यहाँ पे था नहीं। इंडिया मूव करता रहा, मूव करता रहा। जब इंडिया की इंडियन प्लेट जो है वो मूव करती हुई तो ऑस्ट्रेलिया तो यहाँ सेटल हो गया मूव करते करते, बट इंडिया चलता रहा। और इंडिया की इंडियन प्लेट जो है दैट इसमें जाके एशियन प्लेट में टकराई, एशियन प्लेट में जाके टकराई, एक्सप्लोजन हुआ, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई और उसकी वजह से वी हैव टुडे यंग फोल्ड माउंटेन। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे एक सी था, सी, उस सी का नाम है टेथिस सी, ये चीज तुम पढ़ोगे ज्योग्राफी में, टेथिस सी। और यहाँ पे इंडिया था, जब इंडिया यहाँ पे गया तो ये टेथिस सी जो था ये खत्म हो गया, ठीक है, और इंडिया बना, इंडिया इससे टकरा गया प्रेजेंट में ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर बन गए उससे हिमालयास, जो सेडिमेंट था तैथिस सी में वो उठ के क्या बन गया, हिमालय। और तुम्हें याद हो कि इसी एरिया में सबसे ज्यादा लेक है। अगर मैं तुम्हें बताऊं, देखो यहाँ पे हमारी कौन सी लेक है, पेगोंग लेक है, सॉल्ट वाटर लेक, और यहाँ पे क्या है, कैस्पियन सी, यहाँ पे क्या है, अराल सी, यहाँ पे है कैस्पियन सी या यूराल सी, और यहाँ पे पेगोंग लेक है। तो ऐसा कहा जाता है कि इंडियन प्लेट जब एशियन प्लेट से टकराई, जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है वो यही कहती है कि इंडियन प्लेट जब एशियन प्लेट से टकराई तो एक्सप्लोजन हुआ और जो हिमालय है वो क्रिएट हुए। और हिमालयाज जो है, हिमालयन माउंटेन, दीज आर यंग फोल्ड माउंटेन। इन्हें यंग क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कुछ ही मिलियन ईयर्स पहले बने हैं, ठीक है। रॉकीज बहुत पुराने हैं बट ये अभी यंगर है, ठीक है। तो ऐसे ये मूव कर रही है इंडियन प्लेट, यहाँ पे मूव कर रही है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक जगह ऐसी आई जहाँ पे वल्केनिक एक्टिविटी हो रही थी, वल्केनिक एक्टिविटी ज्यादा हुई तो उसकी वजह से इस ये जो पार्ट है इंडिया का, यहाँ पे लावा है, इस जगह पे लावा है, ये यहाँ तक है। इसे क्या कहते हैं हम, पेनिनसुलर प्लेटो या डेक्कन प्लेटो, छोटानागपुर प्लेटो, ये डिवाइडेड है। छोटानागपुर प्लेटो में और डेक्कन प्लेटो में सबसे ज्यादा कोल, आयरन और बॉक्साइट मिलता है। और ये किसका प्रमाण है कि एक टाइम पे इंडियन प्लेट ऐसी जगह पर थी जहाँ बहुत सारी वल्केनिक इरप्शन हुए हैं, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। और इंडिया में कोई वल्केनिक नहीं है बट एक एक्टिव वल्केनो है, दैट इज यहाँ पर अंडमान और निकोबार में छोटा सा बैरन आइलैंड। तो ये याद रखना है कि इंडिया में कोई वल्केनो नहीं है एक्टिव, सिर्फ एक है अंडमान निकोबार में, दैट इज बैरन आइलैंड। तो ये चीजें, और जब हम ये पढ़ लेंगे ना इंटीरियर ऑफ अर्थ, तो हमारा एक टॉपिक आएगा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और प्लेट टेक्टोनिक। तो उसमें क्या क्या कहा गया है एवोल्यूशन के बारे में, कैसे कैसे बनी चीजें, वो पढ़ाई जाए, ठीक है। आई होप कि तुमको समझ आया हाउ इट वर्क, मतलब हाउ दे मूव। एंड और ऐसा भी कहा जाता है कि साउथ अमेरिका और अफ्रीका एक ही पार्ट थे पहले, है ना।